हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मेगा न्यूरोन ओडी प्लस कैप्सूल एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल विटामिन और मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है यह जो है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया दवा है और इसकी प्राइस की बात करें तो एक सौ एक सौ उन्तीस रूपया में आपको एक स्टिप मिल जाएगा इसके एक स्टिप में दस कैप्सूल आता है जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मिथाइल को वाला मीन जो है 1500 माइक्रोग्राम है मिथाइल को वाला मीन को मीको वाला मीन या साइनोको वाला मीन या विटामिन बी ट्वेल्व के नाम से भी जाना जाता है इसके अंदर पैरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है जिसे विटामिन बी सिक्स भी बोलते हैं यह जो है पांच मिलीग्राम है इसके अंदर बेनोफोसिया फोसिया मीन जो है पचास मिलीग्राम है इसके अंदर अल्फा लियो लिपोइक एसिड जो है दो मिलीग्राम है इसके अंदर फोलिक एसिड है जिसे विटामिन बी नाइन या फॉलेट भी कहा जाता है ये पांच मिलीग्राम है और इसके अंदर बायोटीन है जिसे विटामिन एच भी बोला जाता है ये भी पांच मिलीग्राम है फ्रेंड्स इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन है जो बॉडी को हेल्दी रखता है ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है इसकी कमी से मिगेलो ब्लास्टिक एनेमिया हो जाती है तो उसे भी होने से रोकता है और ये जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर पेरोडोक्सीन है जो ब्लड की कमी को दूर करता है और इसका इस्तेमाल जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी किया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर अंदर जो है है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है न्यूरोपैथी डिसऑर्डर में भी इसका यूज किया जाता है जिसमें जो है नर्विक पेन होता है तो उस कंडीशन में जो है बे, बेनोफोसियामीन जो है यूज किया जाता है इसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड है जो डायबिटीज के पेशेंट में फायदेमंद होता है और नर्व से जुड़े समस्याओं जैसे जलन हो या दर्द से राहत देती है इसके अंदर फोलिक एसिड है जो आरबीसी की कमी को दूर करता है आरबीसी बनने में मदद करता है और फोलिक एसिड जो है प्रेगनेंसी में आ, प्रेगनेंट महिलाओं के घर में पल रहे बच्चों के विकास के लिए भी काफी मदद करता है और इसके अंदर बायोटीन है जो बालों और नाखूनों के लिए फायदेमंद होता है और इसके यूज की बात करें तो खून की कमी को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं आप विटामिन की कमी को दूर करने के लिए भी मेगा न्यूरोन ओडी कैप्सूल का यूज किया जाता है नसों की नसों की कमजोरी हो या नसों में नमनेस हो यानी सुनपन हो जाता है सुनापन हो जाता है या झंझनाहट रहता है तो उस कंडीशन में भी मेगा न्यूरोन ओडी प्लस कैप्सूल का यूज होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है डायबिटीज न्यूरोपैथी में डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी जो है मेगा न्यूरोन ओडी प्लस कैप्सूल का यूज किया जाता है साइटिका के पेशेंट में भी नर्विक पेन को दूर करने के लिए ठीक करने के लिए मेगा न्यूरोन ओडी प्लस कैप्सूल का यूज किया जाता है और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में एक कैप्सूल जो है प्रतिदिन एक कैप्सूल ही दिया जाता है और खाना खाने के बाद दिया जाता है और बच्चों की बात करें तो बच्चों में इस कैप्सूल का यूज नहीं किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलता है रेयर केसेज में जो है कब्ज देखने को मिल सकता है या पेट दर्द या घबराहट जैसी स्थिति हो सकती है या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आप मेगा न्यूरोन ओडी प्लस कैप्सूल लेना बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से दिखाइए और सावधानी की बात करें तो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दे ब्रेस्ट फीडिंग में भी दे सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दे बच्चों में इस कैप्सूल का यूज नहीं किया जाता है जिन व्यक्तियों को किडनी या लीवर या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उन्हें डॉक्टर की सलाह से इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए इस कैप्सूल को लेने के बाद ड्राइविंग भी कर सकते हैं लेकिन अगर डिजनेसा फील आता है चक्कर सा आता है तो आप ड्राइविंग ना करें इस कैप्सूल को लेने के बाद एल्कोहल का सेवन ना करें शराब ना पिए इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर कोई एंटासीड दवा लेना है तो इस कैप्सूल को लेने से दो घंटे पहले ले या लेने के दो घंटे बाद ही एंटासीड जो मेडिसिन आती है उसका यूज करे यदि किसी को कोई हार्ट की बीमारी हो या बोन बोन डिसऑर्डर हो या कोई एंटीबायोटिक्स मेडिसिन चल रही हो तो उन्हें डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए और यदि किसी व्यक्ति को इसमें उपस्थित इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी मेगा ओडी प्लस कैप्सूल का यूज नहीं करना चाहिए इस कैप्सूल का ओवरडोज ना डोज यानी एक कैप्सूल पर डे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और इस कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले बिना डॉक्टर की सलाह से मेगा न्यूरोन ओडी प्लस कैप्सूल का के यूज न करे तो फ्रेंड्स ये था मेगा न्यूरोन ओडी प्लस कैप्सूल की संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आ सके